हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम वैशमी का माप बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर लेंगे और उसमें 2 कप काले चने डालेंगे, जो कि हमने एक रात पहले ही भिगोकर रख दिए थे। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 छोटे तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 ग्लास पानी, 1/4 स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच जीरा डालकर कुकर को बंद कर देंगे। और लो फ्लेम पर 3 सीटी आने तक का इंतजार करेंगे। तीन सीटी आ चुकी हैं, अब कुकर खोल लेते हैं। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है, अब इसे हम छान लेंगे। और उसका पानी निकाल लेंगे। अब मिक्सी जार में मिश्रण को डालेंगे। और मिक्सी में पीस लेंगे। मिश्रण हल्का दरदरा पिस चुका है। जो चने रह गए हैं उन्हें हम हाथ से मैश कर लेंगे। अब इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 1/2 कप बेसन, 1/2 स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच पुदीना पाउडर, 1 फ्रेश पुदीने के पत्ते को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालकर मिला लेंगे। और जो चने मैश नहीं हुए थे उन्हें हाथों से मैश करके एक मसालेदार काले चने का डो तैयार कर लेंगे।
अगर आपका मिश्रण बहुत टाइट लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और मिला लेंगे। मिश्रण बन चुका है। अब इसके गोल शेप में इस तरीके से कबाब बना लेंगे। हमने सभी को कबाब की शेप दे दी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक कर कढ़ाई में कबाब डालते जाएंगे और उन्हें फ्राई करते जाएंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कबाब फ्राई हो चुके हैं। वेज शमी कबाब बनकर तैयार है। आप इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे इफ्तार पार्टी में भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।